हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड 108 का पहला पार्ट। आपको पता है कि पिछले पार्ट में जैसे द्रौपदी जी को लेकर चले गए थे, तो उसके बाद आए थे भगवान, तो भगवान जी आए थे ना, तो वो आपको उपाय बताएंगे। तो खैर, अब देखते हैं कि क्या आगे होता है। तो करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट। भगवान बहुत बेचारा परेशान है, बहुत। इस मंडप को सजाना बंद कर दिया जाए। दुष्टद्युम, दास दासियों से कह दो कोई विवाह नहीं होगा यहाँ।
वो है जो तू यहाँ के हौसला दे क्योंकि उनके पास कोई ना कोई हल जरूर हो। जी जी वो राजकुमार अर्जुन ही थे, वो पांचों भाई पांडु पुत्र थे, किंतु उन्होंने उन्होंने गुप्त रहने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं पिताश्री को बता नहीं सकती। आप भी उन्हें मत बताइएगा जी जी, मत बताइएगा। वो जो भी भेदरो उन्होंने जो किया उसके पश्चात उनके बारे में विचार करने का कोई अर्थ नहीं। चलो द्रौपदी, का उपदेश दिया जा सकता है, आदेश नहीं दिया जा सकता। सबको अपना धर्म स्वयं निश्चित करना पड़ता है। पुत्रों, मैं तो केवल धर्म के साथ तुम्हारा साक्षात्कार करने में सहायता कर सकता हूं। पुत्र युधिष्ठिर, यदि तुम संन्यास लोगे तो हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य पे राज कौन करेगा? सही बात। मेरे पुत्रों ने स्वयं राज्य का त्याग किया भक्ता, हमें सिंहासन का कोई मुंह नहीं। अवश्य ये निर्णय तुम्हारा ही होगा कुंती, परंतु ये निर्णय लेते समय क्या तुमने प्रजा के सुख के प्रति तनिक भी विचार किया? क्या तुम्हारे मन में ये विचार आया कि यदि दुर्योधन राजा बन गया तो आने वाली कई पीढ़ियों तक हस्तिनापुर जैसे महान और शक्तिशाली राज्य पर अधर्म और स्वार्थ का राज होगा? नहीं था, मेरे हृदय ने कहा कि संघर्ष का मूल ही काट देना उचित है। हृदय से विचार करना और बुद्धि से प्रेम करना अधर्म का पहला चरण है। सही बात। अब इस विषय में तुम्हारा क्या कर्तव्य है कुंती? हमें गुप्तवास का त्याग कर हस्तिनापुर वापस जाना होगा। सही किया, बहुत जरूरी है। केशवश्री के बाद जब जब राजा बनने का समय आए तब युधिष्ठिर को राजा बनना। सही है, थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। हाल नहीं भाई, अपने खुद के लिए। हाँ जी, ये देखो, प्रजा को उत्तम राजा मिले इस हित। उत्तम, अति उत्तम। परंतु युधिष्ठिर और भीम दोनों ही संन्यास लेंगे तो अवश्य ही राजा दुर्योधन बनेगा, क्योंकि अर्जुन तो अनुज है, उसका अधिकार ही नहीं है। और दूसरी ओर यदि युधिष्ठिर को छोड़ अन्य चारों भाई संन्यास लेते हैं तो युधिष्ठिर के रक्षण कौन करेगा? ये भी पॉइंट है ना। क्षमा कीजिए भगवान, किंतु क्या इस समय राजनीति के विषय में विचार करना आवश्यक है? अवश्य नहीं। क्षमा कीजिएगा भगवान, परंतु विवाह के निर्णय को
हम राजनीति की तुला पे क्यों तोल रहे हैं? वो भी जब राजकुमारी द्रौपदी के लिए इतनी विकट स्थिति है तब। राजनीति भी समाज के कल्याण का ही एक मार्ग है पुत्र, और उतने ही महत्व का मार्ग है जितना कि धर्म नहीं। यदि अब जैसा कि द्रौपदी जी को वापस ले गए द्रोपद, तो अब काफ़ी ना परेशान तो हैं वो, सैड सैड और रोना ये काफ़ी ना भाई अच्छा हमें भी है, इतना बड़ा एक सदमा लगा है। शिखंडनी की बात करें तो उसको कोई परवाह नहीं उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो तो सब जानती है ना, क्योंकि वो फेस कर चुकी इस चीज़ को है, इसलिए उसके अंदर इस चीज़ की कोई रहम नहीं है कि वो पांडवों हैं या अर्जुन है, नेवर, ठीक है। लेकिन हाँ, जब द्रुपद को पता चलेगा तो उसकी कुछ फीलिंग्स मुझे लगता है कि डिफरेंट होगी, ये तो वक्त बताएगा। अब जहरी बात है, इतना सदमा लगना है, उन्होंने एक मंडप सजाया हुआ था, मतलब के विवाह की तैयारी भी थी, लेकिन बेचारी जब वो द्रौपदी जी एक अकेली आई एक लेकर उनको आया द्रुपद, तो देखा परेशान परेशान भी हो गए थे, और एक सदमा भी लगता ही है इसमें, कौन सी एक ना सदमे लगने वाली बात हुई है यही चीज़। बाकी अगर इधर देखा जाए तो भाई कुंती ने फिर जो है ना वो फैसला लिया, हम तो ठीक है वो वक्त के लिहाज से कुछ चीज़ें जो है ना वो बाद में समझ आती हैं, क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अगर दुर्योधन की बात करें तो वो भाई जी अन्याय करेगा वहाँ पे, वहाँ की राया के लिए आपके सामने किस तरह उन्होंने पांडवा पुत्र ने उधर थे ना, प्रजा बहुत मतलब कि खुशहाल थी, हर चीज़ लोग बातें करने लग पड़े थे कि ये बहुत अच्छा हुआ है, हमारा दान भी बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है। बिल्कुल, तो बाकी उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस बता दी है कि भाई आपके इकट्ठे होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के जो है ना वो बाजू बनना पांचों का जरूरी है। तो अब जहरी बात है दूसरी साइड के ऊपर द्रौपदी का भी मसला है, तो उसके ऊपर आप देखो क्या वो फैसला लेते हैं। अर्जुन तो बोल गया है कि भाई हम इस चीज़ को क्यों तोल रहे हैं जब हमारे लिए एक इधर बहुत बड़ा मसला बना हुआ। तो अब देखो उसके ऊपर क्या फैसला करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उनको जो है ना वो मशवरा दिया, इसके ऊपर मजीद कोई ना कोई अच्छी जो है ना वो निकालेंगे। बिल्कुल, अब लगे हुए हैं तो अब बेस्ट ही है कोई अच्छा हल निकले, क्योंकि इससे आगे अब ये सह नहीं जा रहा किसी से भी, सब भाई इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी परेशान और रोने के आते हैं भाई लोग, तो सही बात है हम भी नहीं इस चीज़ को भाई हैं देख सकते। तो खैर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में अब देखेंगे कि क्या स्टेप लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई गुड बाय, टेक केयर।